पूछ ले ला ना बिन सजना के। अरे कितना वीडियो ये ले रही है ये पागल है, वीडियो घरी वीडियो लेगी चल समझ आने से। ओए तन्ने पूछन से करता मैं जल्दी घुसता। हाय दोस्तों, नमस्कार जोहार। तो चलिए, रात में हम लोग का सहमत वाला कार्यक्रम ख़त्म हो गया। आज है पूजा, इसलिए हमारा घर दूरा साफ सुथरा एवं निपाई पोताई हो रहा है। और ये देखिए, सभी लोग अस्त व्यस्त हैं, सभी कोई सुबह से ही उठ करके अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए आगे की कार्यक्रम हम करते हैं। सामान बहुत घट रहा है और हम लोग का तेल घट रहा है। कल दिए थे, भीड़ के वजह से नहीं हो पाया, इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं हम अनु दोनों और तेल लेके आते हैं। अभी आया है आटा, गुड़, मैदा, चीनी, उनी टोटल सामान आ गया है। और देख सकते हैं हम लोग का रास्ता भी खतरनाक रहता है। तो चलते हैं हम लोग, तेल लेके आते हैं, कड़ू तेल, अपना घर का सरसों से पेराया हुआ तेल है। जल्दी से निकलते हैं। तो लीजिए, अब हम पहुँच गए यहाँ पर बरवैया मील पर, जहाँ पर तेल पीसने वाला मशीन है। ये देखिए, यहाँ पर मशीन लगा हुआ है। और पूजा की वजह से हमको लगता है पूरा सन्नाटा लग रहा है, लेकिन है कोई महिला इस अति में। और हम लोग के दे चुके, और ये देखिए बोरा जो दिए थे जिसमें सरसों वो था। अब ये देखिए, हम घर आ गए, पूजा पाठ की तैयारी हो गया। मेरे पिताजी अपना जो पूर्वज स्थान देवता होता है घर का, वहाँ पर जा रहे हैं। पूरा निपाई पोताई हो चुका। देखिए मेरी माँ भी अस्त व्यस्त है, पूरा पूजा पाठ का सामान ला रही है, लेग रही है, हर चीज़ व्यवस्था जो है, कुछ कमी ना रह जाए उसको पूर्ति करने में लगे हुए हैं लोग बाहर में। और ये देखिए हमारे गोतिया के और भाई हैं, ये भी हैं। तो मेरे पिताजी और ये दोनों यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। देखिए दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कि अंदर में पूजा और बाहर में हम लोग देखेंगे। तो अभी हमन घर नहीं हुआ है, फल्लू घर बाबा चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ देखिए होली हो गया है, होली लगा चुका है। और हम लोग देखिए अभी चिकन है पूरा इससे। अब फल्लू को देखिए, फल्लू के बाबा लगा चुके हैं, इसका देवता में पूजा हो गया है। कने कने होलिया लगल है, हाँ दिखा दो, कहो कि है दोस्तों, बोल दो, बोल दो, हमारा घर में होली हो गया है, बोल दो, हाय दोस्तों। कहीं बाबा चढ़ा दिए हैं, कहीं बाबा चढ़ा दिलो हमारे घरे। घर में पूजा हो रहा है, और इधर हलुआ कन है, यहाँ टकलियों को होली हो चुका है। हम लोग सबको यहाँ देख रहे हैं का, ये देखिए पर भीड़ लगल है, भीड़ पूरा का पूरा। आज के दिन होली है, यहाँ देखिए ये लोग तो पूरा कोरनी है दोस्तों। हमारा घर में पूजा प्रारंभ हो रहा है। घर में हम लोग सबको यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए अरे को बिटना नहीं बैठल है। अरे बिटना कहाँ चल, पापा बकरी कटा गला है, एकर घर बकरी कटा गया दोस्तों, कटा गया। अब हम लोग घर पारी है, यहाँ पूजा होगा, कर रही हम लोग के ऊपर बम्पड़ा का लाभ करते हैं इधर। दोस्तों बने रहिए, अभी हमारा रिवाज है कि अंदर में पूजा होता है तो हम लोग बाहर में पटाखा उठाखा छोड़ते हैं। तो देखिए अभी हम दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए मेरी माँ अस्त व्यस्त है पूरा। दादी के ले लो, दादी के यहाँ देखो विधि व्यवस्था ला रही है, झाकड़ी मकर बना है, रसम काटी कर, हां ठीक है, जो तू अपन काम में जो एन्नी पलक दुनत नहीं चल गया। तो देखिए लगे हुए हैं अंदर में, जो पुजारी होता है, देवता है हमारा, पूर्वज स्थान है जिनको स्थापित किए हुए हैं, वहाँ पर हम लोग को पूजा हो रही है। देखिए टिक्का है दोस्तों दीवालों में सात वो, और यहाँ पर देवता को मनाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ साल में दिया जाता है, और तीन वर्ष में हम लोग यहाँ पर पूजाई भी करते हैं पुराना रीति रिवाज के अनुसार। हम लोग का कार्यक्रम चलते रहता है, देख सकते हैं रोटी वोटी भी है। तो चलिए अभी बम पटाखा फोड़ते हैं, इसके बाद रंग अबीर होगा। ऐसे फूटेगा, इधर तोड़ देता है, लटो यहां देखा, हां ठीक है, ये देखो ना, ये देखो, अब अगर कहां देता है, हां तुम्हारी ऐसे फूटेगा। जो इस तरह सा बम है, गुड़िया,
हल्का वाला निकाल लेने। भाग रहे मुटारी। इसके बाद दोस्तों हमारा घर में जो देवता में 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष खसी चराया जाता है, ये खसी भी यहाँ तैयार है। चलिए इनको पवित्र किया जाएगा, स्नान गंगा जल छिड़क करके इसके बाद फिर चराया जाएगा देवता में। अगर देवता खुश रहते हैं तो अच्छा तरह से चरते हैं, और अगर नाराज रहते हैं तो फिर उस तरह से नहीं चर पाते हैं। तो चलिए अभी इस कार्यक्रम को भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हो गया, और ये देखिए लोगों की संख्या भरा हुआ चर चुका है, और यहाँ देखिए बाहर में निकाल चुके हैं। इसका जो भी प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा। तो यहाँ पर लोग को लेकर के बैठे हुए हैं। तो अंदर वाला कार्यक्रम जहाँ देवता स्थान है वहाँ हो चुका है, और बाहर पर सब निकाल चुके हैं। और ये देखिए बाहर यागना में भी हम लोग का होता है। तो ये देखिए मेरे पिताजी यहाँ पर टिक्का लगा रहे हैं। जितना भी हम लोग को देवता में पूर्वज का ही है उतना टिक्का लगाया जाता है। तो ये देखिए सिंदूर का टिक्का दे रहे हैं। इसके बाद जितना टिक्का देंगे वो प्रत्येक टिक्का में अपना जो प्रसादी आज घी से जो बनता है रोटी पुआ उसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ देखिए प्रत्येक टिक्का में एक एक दो दो रोटी करके रखा जाएगा, चढ़ाया जाएगा। हम लोग का रीति रिवाज है यहाँ पर जो चढ़ रहा है उसको महिला या कोई बेटी बाहर को नहीं खाने बनता है, यहाँ पर जो भी चढ़ता है पुरुष खाते हैं। तो ऐसा हम लोग का पूर्वज से ही रीति रिवाज होते आ रहा है जो आज तक की बरकरार है, और यही चीज़ प्रत्येक वर्ष हम लोग को यहाँ पर होली में होता है। रात में समक जलता है जो बैगा घर में होता है, और अपने प्रत्येक घर में पुजाई होता है जो पुजाई का रस्म इस तरह किया जाता है। और बोले जाए बाबा, बाबा जाए।